40 फुट के जो रोड पे ये जो है मैंने आपको प्रॉपर्टी विजिट कराई है, साथ में अभी मैं खड़ा हूँ अपने फ्रंट एलिवेशन पे। आप देखेंगे क्या शानदार लुक दे रहा है। SS की रेलिंग हम आपको पूरे जो है फ्लोर्स के अंदर अवेलेबल करा रहे हैं। आपको SS का गेट, हैवी गेट आपको मिल रहा है। ये अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ अपने पार्किंग एरिया में। पार्किंग एरिया के अंदर अब जब आ रहे हैं तो आप देखेंगे काफ़ी स्पेशियस ये पूरी पार्किंग है। वॉल टू वॉल हमने इसके अंदर जो है 5 फीट तक हमने आपको हाइट की टाइल्स दी है, जो कि पूरा पार्किंग से लेते हुए हमारा रूफ तक जाती है, पूरे स्टेयर केस से होते हुए जाती है। लिफ्ट सेक्शन आपको दिखाता हूं मैं, क्योंकि प्रॉपर्टी जो है ये हमारी विद लिफ्ट है। ये हमारा जो है लिफ्ट का सेक्शन है। अभी जो है लिफ्ट का काम चल रहा है, तो अभी ऑलमोस्ट 1 मंथ जो है हमारी लिफ्ट स्टार्ट होने में लगेगा। लिफ्ट के बिल्कुल साथ में जो है हमारा जो है पानी का कनेक्शन है। यहाँ पर हम आपको दिल्ली जल बोर्ड का जो है पानी का जो हम कनेक्शन आपके नाम पे जो है देंगे। साथ में स्टेयर केस की बात करूँ तो 6 इंची के स्टेप के साथ हमने यहाँ पर ग्रेनाइट का मार्बल जो है स्टेयर केस में नीचे से ऊपर तक का हमने यूज़ किया है। यही सेम टाइल वर्क जो है हमारा टॉप रूफ तक जाता है। पार्किंग दिखाई है आपको, फ्रंट एलिवेशन दिखाया है। अब मिलते हैं हम आपसे अपने फ्लोर पे। आइए, नमस्कार मेरी सरकार, मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरी माताओं, मेरी बहनों, कैसे हो सब आप लोग? ऑल वेल, मैं भी अच्छा हूँ। मैं दिनेश ग्रोवर अपने यूट्यूब चैनल ग्रोवर स्टेट्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, दिल से स्वागत करता हूँ। जो प्रॉपर्टी लाया हूँ सर, 200 गज में बनी है, 100 गज बने हुए फ्लोर, तो वो फ्लोर नहीं है, पूरा महल लेके आया हूँ। महल आप देख सकते हो मैं कहाँ खड़ा हूँ। लोकेशन भी बताऊंगा, प्राइस भी बताऊंगा, दोनों चीजें बताऊंगा, लास्ट में बताऊंगा। उससे पहले आपको मेरा पूरा वीडियो देखना होगा। मैं चाहता हूँ आप मेरा पूरा वीडियो देखें, शेयर करें, मेरे को मनोबल बढ़ेगा मेरा, ठीक है। अभी मैं खड़ा हूँ अपने लिविंग सेक्शन में, लेकिन मैं जो आपको सबसे पहले दिखाऊंगा अपने डोर दिखाऊंगा, डोर की एंट्री दिखाऊंगा। हैवी बोर्ड के अंदर आपको मैं ये डोर दे रहा हूँ। आप देखें गन से मैंने पूरा इसको पॉलिश करा रखा है, गन पॉलिश हो रखी है। 6 इंची की चौकट के साथ आपको एक प्यारा सा हैंडल लॉक सिल्वर कलर का दे रहा हूँ। देखिए बहुत ही शानदार ये डोर आपको लुक जो है दे रहा है। फ्लोर पे आ जाते हैं। फ्लोर की अगर मैं बात करूँ तो 200 गज की बिल्डिंग है, 100 गज आगे 100 गज पीछे बना हुआ है। जिस फ्लोर में खड़ा हूँ ये सोल्ड है, फर्स्ट फ्लोर है, और आपका जो अपर ग्राउंड फ्लोर है पूरी 200 गज की यूनिटी के साथ ये बना हुआ है। स्पेस की बात करूँ लिविंग सेक्शन के, तो आपका 11x19 का, जी हाँ 11x19 का ये आपका पूरा लिविंग सेक्शन है। काफ़ी बड़ा स्पेस है। आप देखेंगे मैं अपने कैमरामैन से काफ़ी दूरी पे हूँ, पूरा 19 फीट की दूरी पे हूँ। एल कॉर्नर में आपके 7 सीटर सोफा, जी हाँ एल कॉर्नर में आपके 7 सीटर सोफा इजिली आप यहाँ पर जो है लगा सकते हैं। बिल्कुल यहाँ पर आप अपना 7 सीटर सोफा लगाएंगे। साथ में आपको मिलता है एक बेहतरीन लुक का एक LED पैनल। देखिए वुडन टेस्ट पूरा दिया हुआ है आपको, लाइट वुडन एक डार्क वुडन कलर में आपको मैं ये LED पैनल दे रहा हूँ। आपको इंटरनल वायरिंग दे दी है हमने D2S की। साथ में अगर मैं स्विचेस की बात करूँ तो स्मार्ट स्विचेस हैं, मेटालिक ग्रे के अंदर मैं आपको ये स्विचेस दे रहा हूँ पूरे घर के अंदर। 33x33 की आपको फ्लोरिंग मिल रही है, विट्रीफाइड टाइल्स मिल रही है आपको। जहां मैं खड़ा हूं आप देखेंगे काफी प्यारी लुक दे रही है ये टाइल्स। फॉल सीलिंग की बात करूं तो फॉल सीलिंग काफी बेहतरीन है। अगर मैं कैमरामैन को घूमू देखें आपके इतना, आपको एक अलग ही लुक में इस फ्लोर के अंदर ना, अलग ही लुक के अंदर इस महल के अंदर हमने जो फॉल सीलिंग दी है ना, ये आपको रियर चांस है अगर किसी फ्लोर के अंदर मिल जाए। बहुत ही शानदार लुक। सामने ही बिल्कुल आपको मिलता है एक 3D कस्टमाइज वॉलपेपर। जी हाँ इस वॉलपेपर की शानदार लुक, पूरी रेड एंड पिंक आपको जो है फ्लावर्स की पूरी हमने यहाँ पर एक गेटअप दी है। देखेंगे आप कितना प्यारी सी लुक दे रहा है आपको ये। तो लिविंग सेक्शन के बाद मैं आपको लेके चलता हूँ बिल्कुल सामने, जो हमारे जैसे हमने एंट्री करी है तो हमारा राइट साइड पर जो है लिविंग 100 गज के फ्लोर के अंदर जो किचन है हमारी, उसका स्पेस मैं आपको बताता हूँ। ह्यूज साइज है, 12x7। जी हाँ 12x इसकी लेंथ है और देखिए 7 इसकी जो है चौड़ाई है। काफ़ी बेहतरीन लुक दे रहा है। अगर मैं इसके कलर की बात करूँ तो माइका में जो हमने आपको कलर दिया है, अंदर जो है डार्क आपको वुडन का प्लस अंदर बाहर पूरा माइका है, बाहर हम आपको वुडन एंड वाइट कलर का हाई ग्लोसी का हम आपको जो है माइका दे रहे हैं।
स्लैब की अगर बात करूं तो आप देखेंगे येलो कलर, इसके अंदर ग्लिटर शाइनिंग आ रही है। देखिए ग्लिटर जो होता है ना, हमारा जो चमकीले जो हमारी जो चीज़ें होती हैं वो जो हम वो हमने पत्थर यहाँ पर आपको दिया है। स्पेस काफ़ी बेटर है, आप देखेंगे ये हमारा जो है जो पूरा हम एल कॉर्नर आते हैं, काफ़ी ज़रा स्पेस है। नीचे भी जो हमारे डोर्स हैं, देखिए 1, 2, 3, 4, 5 ये स्पेस अलग है हमारा बड़े बर्तनों के लिए, 6, 7, 8, then 9 इतने सारा स्पेस है, इसमें इतना बड़ा स्पेस है ना हमारी किचन के अंदर। साथ में आपको फ्रिज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका फ्रिज जो है पूरा यहाँ पर आता है। जी हाँ, आप देखिए यहाँ पूरा अपना डबल डोर का आप इजीली जो है फ्रिज जो है रख सकते हैं। वेंटिलेशन की प्रॉब्लम नहीं है, आपको विंडो दी जा रही है, आप चाहें तो यहाँ एग्लोस लग जाएगा। हमारे कैमरामैन के बिल्कुल बैक साइड पे जो है चिमनी का स्पेस हमने जो है अलग से दिया हुआ है। जी हाँ, हम यहाँ पर आपको चिमनी लगा के देंगे, वेंटिलेशन की आपको किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं आएगी। किचन के ऑपोजिट, जी हाँ किचन के ऑपोजिट हमारा जो है हमने आपको डाइनिंग स्पेस दिया है। आप चाहें तो इसको मंदिर बना लीजिए, आप चाहें तो इसको डाइनिंग स्पेस बना लीजिए, चॉइस आपकी है, रहना आपने है, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा, क्योंकि घर आपका है हमारा नहीं है, हम तो आपको मकान देंगे, घर आप ही ने बनाना है। पेंट अभी जो है हमारा इस फ्लोर का बाकी है, वॉलपेपर लगता ही सबसे पहले मैं आपके लिए वीडियो लाया हूँ। अब बात करते हैं अपने फर्स्ट बेडरूम की, जो कि मास्टर बेडरूम है। आइए, फ्लोर हमारा ये सोल्ड है, चॉइस से उन्होंने वॉलपेपर लगवाए हैं, बच्चों के हिसाब से वॉलपेपर लगा हुआ है इसके अंदर, येलो बॉल्स का हम आपको इसके अंदर वॉलपेपर दे रहे हैं, क्योंकि जिन्होंने लिया है उनकी ये चॉइस है। फॉल सीलिंग का काम इसके अंदर भी है, आप देखेंगे व्हाइट एंड जो है ब्लू और पिंक कलर का व्हाइट का लाइट का हम जो है आपको कॉम्बिनेशन दे रहे हैं। ऑलमोस्ट साइज की बात करूं तो 12x12 का ये रूम है। साथ में मास्टर बेडरूम है तो हमारे को जाहिर सी बात है हम आपको अटैच जो है वॉशरूम जरूर देंगे इसके अंदर। टाइलिंग वर्क बहुत बढ़िया है हमारा, अगर मैं इसकी टाइलिंग वर्क की बात करूं तो नीचे हमने आपको कंट्रास्ट टाइल दी है व्हाइट एंड ग्रे की, उसी से मैच करता हुआ हमने आपको ऊपर भी सेम हाइलाइटर प्लस आपको व्हाइट टाइल का कॉम्बिनेशन दिया है। टैब अभी हमारे लगने बाकी है, मैं आपको बताऊंगा कि क्योंकि जब आप शिफ्ट होते हैं तब हम आपको ये टैब लगाकर देते हैं। तो मास्टर बेडरूम से अब अगर मैं बात करूँ आपकी विंडो की, तो यहाँ पर आपको विंडो एसी का ऑप्शन दे दिया गया है और स्विचेस आपको पावर पॉइंट जो है यहाँ पर मिलते हैं। लिविंग सेक्शन के अंदर भी आपको एसी की डक्टिंग का ऑप्शन मिलता है। ये हमारा था फर्स्ट बेडरूम, अब मैं लेके चलता हूँ अपने सेकेंड बेडरूम में। आइए, पूल यूज साइज है इसका भी 12x11 का ये आपका जो है बेडरूम है, अलमीरा आपको मिलती है। इसके अंदर भी आपको वॉलपेपर मिलता है जो कि नॉर्मल है, आपको वॉलपेपर हम आपको हर चीज़ का देंगे और चॉइस भी आप ही होगी उसके अंदर। फॉल सीलिंग का काम इसके अंदर भी है, काफ़ी बेहतरीन आपको डैशिंग जो है फॉल सीलिंग इसके अंदर मिलती है। वेंटिलेशन की बात करूँ तो इसके अंदर शाफ्ट है और शाफ्ट का स्पेस भी आपका कम नहीं है सरकार, बहुत बड़ा स्पेस है। आप देखेंगे आपका ऑलमोस्ट 4x6 का आपको जो है ये स्पेस मिलता है। विंडो एसी आपका यहाँ लगता है, साथ में आपको जो है इसके अंदर एक अलमीरा दी जाती है, पूरी रूफ तक आपकी अलमीरा है। देखिए दो लॉकर आपको जो है यहाँ दे दिए गए हैं आपको स्टोरेज के लिए। इसके अंदर भी हम आपको जो है अंदर बाहर पूरा जो है माइका दे रहे हैं, ऊपर हमारी जो है स्टोरेज अलग है, काफी बड़ा स्पेस है। देखिए अगर गहराई की बात करूँ तो 2 फीट की ऑलमोस्ट जो है हमारी गहराई के अंदर ये अलमीरा है। कॉमन वॉशरूम में लेके चलता हूँ आपको, स्पेस की अगर बात करूँ कॉमन वॉशरूम की तो आपका ऑलमोस्ट 5x8, जी हाँ 5x8 का ये आपका जो है वॉल हैंगिंग के साथ आपका जो है वॉशरूम है। वॉल टू वॉल टाइल्स इसके अंदर भी है, आपका लाइट येलो देन आपका जो है हाईलाइटर, उसके बाद आपको क्रीम टाइलों का जो हम आपको कॉम्बिनेशन दे रहे हैं। वेंटिलेशन का जो है जिसके अंदर ऑप्शन आपको मिलता है, आपको गीजर का पॉइंट मिलता है, गर्म पानी की सुविधा आपकी किचन और दोनों वॉशरूम के अंदर होती है। आपको दो जो है गीजर लगाने पड़ते हैं, दोनों वॉशरूम में लगते हैं और किचन के अंदर आपका पानी आ जाता है। तीसरे बेडरूम में लेके चलता हूँ, आइए स्पेस
12x12। जी हाँ, 12x12 का ये 100 गज का जो महल का जो है तीसरा बेडरूम है, वॉलपेपर भी जो है इसमें चॉइस आपकी होगी। पीओपी और लाइटों का शानदार कॉम्बिनेशन आपका जो है कॉम्बिनेशन है, आप देखेंगे व्हाइट पीच कलर एंड पिंक कलर जो है इसके अंदर हम आपको लाइट का ऑप्शन दे रहे हैं। साथ में आपको इसके अंदर वही शाफ्ट है जो कि आपकी उस रूम से अटैच्ड है। आप चाहें तो अपना विंडो एसी लगा लीजिए, यहाँ पर लगा लीजिए। आप चाहें तो आपका विंडो एसी यहाँ लग जाएगा क्योंकि इसके साथ बालकनी अटैच्ड है। बात करूँ तो अलमीरा, जी हाँ, इसके अंदर भी हम आपको अलमीरा देते हैं। अंदर बाहर पूरा माइका है, स्टोरेज आपको किसी भी किस्म के लिए कम नहीं है, बहुत ज़्यादा हम आपको स्पेस दे रहे हैं। बालकनी अटैच रूम है जो तीसरा बेडरूम मैंने आपको दिखाया है, इससे मैं आपको लेके आया हूँ अपने जो है बालकनी के अंदर आ गया हूँ। वॉल टू वॉल्स जो है हम आपको यहाँ पर टाइल्स दे रहे हैं प्रॉपर, आप देखेंगे बहुत ही बेहतरीन लुक है। ग्रीन कलर की प्लस आपको ग्रुपिंग दी जा रही है वो ब्लैक कलर की है। फ्रंट एलिवेशन में आपको दिखाऊंगा, ये हमारा जो है वॉशिंग एरिया है प्रॉपर। अभी अगर मैं स्पेस की बात करूँ तो आप काफ़ी बड़ी मशीन जो है आप यहाँ लगा सकते हैं। 304, जी हाँ, 304 की SSE रेलिंग के साथ मैं आपको यहाँ पर जो है बालकनी दे रहा हूँ। साथ में आपको यहाँ पर भी कपड़े सुखाने के लिए जो है ऑप्शन मिलेगा। सबसे अच्छी बात, प्रॉपर्टी जो है वो 40 फीट के रोड पे है। जी हाँ, 40 फीट का रोड है ये पूरा। अगर मैं चाहूँगा कैमरामैन को एक बारी नज़र लगवाएंगे आपको, ये देखिए कमर्शियल रोड है ये, मेट्रो कनेक्टिविटी के साथ है। लोकेशन मैं आपको बताऊँगा, मैंने आपसे वादा किया था स्पेस जो है 100 गज है। पूरा महल के अंदर मैं आपको लेके आया था। वीडियो की स्टार्टिंग मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको इस बार प्राइस जरूर बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारी शिकायतें आती हैं यार कि आप प्राइस नहीं बताते। और लोकेशन भी बताता हूँ, उत्तम नगर ईस्ट से जो उत्तम नगर ईस्ट मेट्रो स्टेशन है वहाँ से आपका लगभग 800 मीटर की दूरी पे हूँ। मानस कुंज रोड पे है ये आपका फ्लैट। प्लस प्राइस की अगर बात करूँ तो 51,00,000 में मैं आपको ये मैं सोता दे रहा हूँ, महल दे रहा हूँ। अगर आपने पूरा महल दे दिया मैंने आपको 51,00,000 रुपये के अंदर, आइए बुकिंग कीजिए। और मेरे ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्लस जो यार आपको बेल बजा दो। नवरात्रि चल रहे हैं यार, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आने वाली दिवाली की भी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।